बधाई हो, आपको बच्चा होने वाला है। क्या आप सच कह रहे हैं? भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, आखिरकार आपने हमारी सुन ही ली। लेकिन लेकिन क्या डॉक्टर, आपकी पत्नी को कैंसर भी है 2 महीने के बाद। ये क्या कर रही हो तुम? मैंने तुम्हें काम करने से मना किया था ना। अरे वो बस थोड़ा सा। क्या थोड़ा सा, मुझे बोल देती। काश मेरे पास और वक्त होता, मैं आपको बच्चे के साथ खेलते हुए देख पाती। मैंने कहा था तुम्हें, डॉक्टर की बात मानकर बच्चा गिरा देते हैं, पहले कैंसर का इलाज करवा लेते हैं। हम दोनों ने इस बच्चे के लिए बहुत सारे सपने देखे हैं, न जाने कितने व्रत और मन्नतें मांगी हैं। मैं ये पाप नहीं कर सकती थी। कुछ महीनों के बाद, माफ कीजिए, हम आपकी पत्नी को बचा नहीं सके। मेरा बच्चा वो कहाँ है? वो भी नहीं बच पाया। हे भगवान, ये क्या हो गया? और फिर मैं सोचने लगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। सबसे पहले मैं बाबा के पास गया, जिन्होंने मुझे इसे मेरे ही कर्मों का फल बताया। लेकिन बाबा, मैंने तो ऐसा कोई कर्म नहीं किया जिसकी मुझे इतनी बड़ी सजा मिली। हो सकता है तुम्हें ऐसा लग रहा हो, लेकिन जब तुम ध्यान से आत्मचिंतन करोगे तो तुम पाओगे तुम्हारे साथ जो भी हुआ वो तुम्हारे अपने कर्मों की ही सजा थी। बीवी और बच्चे के गुजर जाने के कुछ दिन बाद जब मैंने खुद को संभाला और वापस खेतों में काम करने के लिए गया, तो मेरा ध्यान कीटनाशक दवाई पर पड़ा, जिस पर लिखा था कि इस दवाई का ज्यादा इस्तेमाल सेहत के लिए खतरनाक है। फिर आपने क्या किया? हे भगवान, गुरुजी ने सही कहा था, मेरे साथ जो कुछ भी हुआ मेरे अपने ही कर्मों का फल है। मैंने ज्यादा पैदावार के लिए अपने खेतों में कैसी कैसी दवाई नहीं डाली। 1 एकड़ जमीन में मैंने दवाई और खाद की मदद से 5 गुना तक पैदावार निकाली है। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपने मुनाफे के लिए ना जाने कितने मासूम लोगों की जान ले ली। उन लोगों को पता भी नहीं होगा कि उनको जो कैंसर हुआ है वो मेरे ही लालच की देन है। मेरे लालच का शिकार इंसान ही नहीं बल्कि पक्षी भी हुए हैं। पक्षी कैसे? आपने अक्सर सुना होगा कि चावर लगाने से पक्षी मर रहे हैं, लेकिन आपने कभी सोचा है पक्षी जिंदा कैसे रहते हैं? उनका मुख्य आहार छोटे छोटे कीट होते हैं जिन्हें हम खेतों में जहरीली दवाओं की मदद से मार देते हैं। अब वो पंछी या तो जहरीली दवाओं से मरे हुए कीट को खाने पर मजबूर हैं, या खेतों में मौजूद जहरीले दाने। ऐसे में भगवान मुझे सजा क्यों ना देता? लेकिन किसान को भी तो भगवान का दर्जा दिया गया है। सबसे पहले हमें सोच को बदलना होगा कि किसान भगवान रूपी एक देवता है। किसान भी आपके और मेरे जैसा इंसानी है। जिस जमीन को किसान अपनी माँ कहता है, फसलों को काटने के बाद उसमें ही आग लगा देता है। माँ रूपी जमीन में कौन इतना जहर डालता है कि उसमें से उगने वाला अनाज आपके शरीर को पोषक तत्व देने के बजाय कैंसर देने लगे। तो हमने सुना है कि आपने किसानी छोड़ दी है और तभी से सेव सॉयल नामक अभियान से आप जुड़े हुए हैं। हाँ, मैंने खेती की सारी जमीन पर बड़े बड़े बरगद और पीपल के पेड़ लगा दिए हैं, और वो जमीन मेरे मरने के बाद एनजीओ के पास चली जाएगी। आपने हमसे बहुत सारी बातें कही, और अब हम जानना चाहते हैं कि आप सेफ सॉइल को लेकर समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जमीन भी एक माँ की तरह है। एक बार फसल लेने के बाद उसे 1-2 महीने का आराम देना जरूरी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बच्चा होने के बाद डॉक्टर महिला को 3 साल का गैप डालने के लिए कहता है, ताकि फिर दूसरे बच्चे के साथ माँ की सेहत अच्छी रहे। दूसरा, हमें खेतों में कम से कम केमिकल्स का इस्तेमाल करना होगा, जितना हो सके उतनी ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाए। जरूरत पड़ने पर तय मात्रा में ही केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाए, ताकि जमीन के पोषक तत्व आपकी सेहत को फायदा देने के लिए जिंदा रह सके, न कि कैंसर वाले तत्वों में तब्दील हो जाए। तीसरा और आखिरी पॉइंट, एक वक्त था जब बच्चे को खाज या खुजली होती थी तो माँ बाप उसे मिट्टी में खेलने के लिए कह देते थे, बच्चे ठीक भी हो जाते थे। आज के समय में हमने मिट्टी को इतना दूषित कर दिया है कि स्वस्थ बच्चा भी उसमें खेलकर बीमार हो जाता है। अब इंसानों का नींद से जागने का वक्त आ चुका है, अपनी मिट्टी को बचाने का वक्त आ चुका है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी सेफ सॉइल अभियान से जुड़ें और इस अभियान को जन जन तक पहुँचाने में हमारी मदद करें।